आजकल लोग बहुत धोखेबाज हैं। अम्मा अच्छे लोग भी तो होते हैं ना, आप कोशिश तो करें। पता नहीं कहां मिलते हैं अच्छे लोग। चलो देखते हैं। एनी आपा की शादी हो जाए बस, फिर हुरिया और चांदनी का नंबर आएगा। हाँ हाँ, फिर उसके बाद हमारे भाई का नंबर आएगा, हमारे भाई के सर पे सेहरा सजेगा, हम सब मिलकर गाने गाएंगे, वीर मेरा घोड़ी चढ़ेया। कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो तुम। सब समझती हूँ मैं। इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा जब मेरे चांद के सर पर सेहरा सजेगा। पूरे शहर में ढूंढ कर चुन कर बहू लेकर आऊंगी और फिर हम अपनी भाभी को सर पर बिठा कर रखेंगे। आप मुझे छोड़ें और एनी आपा के बारे में सोचें। उनका घर बस जाएगा तो आपको भी तसल्ली होगी, वरना एनी आपा हमें खुद घर समझेंगे। ये लो होरिया, अपनी बीए के दाखिले की फीस प्लीज जमा करा दें। थैंक यू सो मच आपी। शुक्र है फीस का इंतजाम हो गया, बस अब जल्दी जल्दी एग्जाम्स शुरू हो जाएं। अगर एग्जाम शुरू हो ही रहे हैं तो खुदा का वास्ता है, पढ़ भी लो। मेरी तो फुल तैयारी है, बल्कि मैं तो शिद्दत से एग्जाम्स का इंतजार कर रही हूँ। बीए करके मैं फॉरन जॉब करूंगी। वाह क्या अजायम है, मैं तो इम्प्रेस हो गया। नई नस्ल में ये जज्बा होना चाहिए। और मैंने तो सोच लिया है कि जैसे एग्जाम्स खत्म होंगे वो तो खूब सारा टीवी देखूंगी, 12-1 बजे तक सो के उठूंगी और दोस्तों के घर जाऊंगी। तुम तो दुनिया में आई इसीलिए हो कि तुम आराम करो, कामकाज करें तुम्हारे दुश्मन, है ना? दुश्मनों की किसको परवाह है, हमें तो अपनी परवाह है। अच्छा वैसे आप ही फीस का मसला तो हल हो गया, कैंटीन के पैसे मिल सकते? आपा को तंग मत करो,